कोई मिड टर्म इलेक्शन नहीं होंगे। नए मुल्हक का आवामी राबते मजबूत करने के लिए 27 जनवरी से जलसों का ऐलान। कहा कि करप्ट हुक्मरानों को इबरतनाक सजाओं के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नवाज शरीफ और जरदारी ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा। हर किस्म के केस का फैसला एक साल में किया जाएगा। 10,000 डेवलपर्स 50 लाख घर बनाएंगे। मुशीर वजीर आजम की गुफ्तगू। नईम उलहक और वफाकी वजीर फवाद चौधरी की एजाज चौधरी की रिहाइश का आमद हुई। वालिद के इंतकाल पर ताजियत की। नया बल्दियाती निज़ाम पंजाब में इंकलाब लाएगा। नून लीग ने मनपसंद इलाकों में कमीशन वाले मंसूबे बनाए। अधूरे मंसूबे साबिक हुक्मरानों की नाकामी का मुंह बोलता सबूत हैं। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान, मियां मीर और कैंट का दौरा। तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। जूडो कराटे क्लब में बच्चों की परफॉर्मेंस भी देखी। पाकिस्तान की आलमी सतह पर तनख्वाही के खात्मे में आर्मी चीफ का अहम किरदार है। अफगानिस्तान में क्याम अम के लिए उनके दौरों का आलमी सतह पर एतराफ़ किया जा रहा है। अमरीका और ईरान से खराब ताल्लुकात को बेहतर बनाने में उनकी खामोश डिप्लोमेसी का मौसर अमल दखल है। करतारपुर राहदारी से भारतीय क्यादत सिफारती महाज पर बैकफुट पर नजर आ रही है। चौधरी पर वे जिला साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी भी एफआईए के रिडार पर। पाकिस्तान सुपर लीग में माली बेजाबतियों के इल्जाम में तहकीकात शुरू। एफआईए ने मुद्दई जावेद बदर का बयान रिकॉर्ड कर लिया। एफआईए का नजम सेठी को तलब करने का फैसला। सुबह से छाई धुंध के बादल छट गए, सूरज गायब। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की लहर में इजाफा हुआ। हवा में नमी का तनासुब 91% रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। धुंध के बायस बंद मोटरवे 11 घंटे बाद खोल दी गई। बाबू साबू ठोकर न्याज बे काला शकाकू से मोटरवे सुबह 4 बजे से दिन 11 बजे तक बंद रही। धुंध के बायस ट्रेनें भी ताखीर का शिकार। कराक्रम एक्सप्रेस, मुल्तान एक्सप्रेस, आवाम बिजनेस, जाफर एक्सप्रेस, खैबर मेल, कराची एक्सप्रेस, अलामा इकबाल एक्सप्रेस भी घंटों ताखीर का शिकार। अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर 26 परवाजें मुतासिर। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। शहरियों की नंबर प्लेट ठीक करवाने वाले खुद ही बेखबर निकले। सीसीपीओ और डीआईजी ऑपरेशंस की गाड़ियों पर गैर नमूना नंबर प्लेट सावेजा। सेफ सिटी कैमरों और ट्रैफिक वार्डन्स की नजरों से ओझल। सफेद और काली लैंड क्रूजर्स पर गैर नमूना नंबर प्लेट देखने में आई। प्रोफेसर जावेद की जेर हिरासत, हलाकत का मामला तूल पकड़ने लगा। तहाल गफलत के मुर्तकिब अफसरान का तायुन ना हो सका और ना इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई। मलबा एक दूसरे पर डालने की रीत भी बरकरार। जेल इंतजामिया के मुताबिक प्रोफेसर जावेद को हथकड़ी जुडिशल पुलिस ने लगाई। कैंप जेल से अस्पताल मुंतकली के दौरान हथकड़ी नहीं लगी थी। सीसीटीवी फुटेज ने नए सवाल उठा दिए। प्रोफेसर मियां जावेद नून लीग के एमएनए चौधरी आरिफ के कजन थे। मियां जावेद ने एमपीए की सीट पर इलेक्शन भी लड़ा था लेकिन हार गए। साबिक रुकन असेंबली जईम कादरी के भी करीबी दोस्त समझे जाते थे। मियां जावेद पर गैर कानूनी तौर पर यूनिवर्सिटी कैंपस कायम करने और इजाफी फीसें लेने का इल्जाम था। जमीन खा गई या आसमान निगल गया। लोहारी गेट में 9 साला बच्ची का कत्ल। 5 रोज गुजरने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान तक पहुंचने में नाकाम। 6 अफराद के डीएनए टेस्ट कर लिए गए। उम्रा की अदायगी पर गई बच्ची की वालिदा वापस पहुंच गई। पुलिस का बच्ची की वालिदा को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। सरकारी लिस्ट नजरअंदाज। सब्जी मंडी में आढ़तियों के अपने रेट। कमेटी लिस्ट से दुगनी कीमत पर सब्जियों की फरोख्त जारी। आलू 13 रुपए की बजाय 30 रुपए में फरोख्त। टमाटर 30 रुपए किलो। प्याज 25 रुपए, करेले 90 रुपए और लहसुन 174 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। इतवार बाजारों में शहरियों की सब्जियों और फलों की नाकिस क्वालिटी की शिकायत। लंडा बाजार भी गरीबों की पहुंच से दूर। सर्दी की शदीद लहर आने पर लंडा बाजार में रश। जर्सी, जैकेट, कोट, गर्म चादर, जराबे और जूते खरीदने वालों का रश। शहरियों का लंडा बाजार के नर्क भी मार्केट के बराबर होने का शिकवा।
मसीही बरादरी के त्यौहार क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर बल्दिया उस्मा ने 5 क्रिसमस बाजार लगा दिए। 10 किलो आटे का थैला 250 रुपए में फरोख। यूहन्नाबाद रेलवे स्टेशन, जल्लो मोड़, बहार कॉलोनी और चाइना स्कीम में भी क्रिसमस बाजार कायम। कमिश्नर डॉक्टर मुश्तबा पराचा और डेप्यूटी कमिश्नर सोहलिया सईद की क्रिसमस बाजार आमद, क्रिसमस का केक भी काटा। क्रिसमस पर गिरजा घर सज गए, इंतजामिया भी मसीही भाइयों की खुशियों में शरीक। क्रिसमस पर पीएचए का बड़ा फैसला, पार्क में क्रिसमस ट्री बनाने का फैसला। जलानी पार्क, ग्रेटर इकबाल और नेशनल बैंक पार्क में क्रिसमस ट्री बनाए जाएंगे। सिटियों का मसीही अहलकारों के लिए 3 रोज की छुट्टियों का ऐलान। सोमवार, मंगल और बुध को छुट्टी होगी। क्रिसमस पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, 60 गिरजाघरों और 8 पार्क्स में इजाफी सिक्योरिटी तैनात करने का फैसला। शहर में क्रिसमस के मौका पर 530 में से 60 गिरजाघर हसास करार। गिरजाघरों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। डीआईजी ऑपरेशंस। भगतपुरा में सिवरेज के नाकिस इंतजाम, सिवरेज का गंदा पानी शहरियों के लिए अजियत बन गया। गलियों में जमा पानी ने रिहायशियों को घरों में महसूर कर दिया। शहरियों की छुट्टी के रोज गवर्नर हाउस की सैर, फैमिलीज की बड़ी तादाद में आमद। गवर्नर हाउस की रोन के अरूज पर गवर्नर चौधरी सरवर शहरियों में घुल मिल गए। लोगों ने सेल्फियां बनवाई, खूब गपशप की। शहरियों के लिए बड़ी सहूलत, एक मैसेज करें और गाड़ी की मिल्कियत जानें। शहरी 8785 पर मैसेज करके गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और अदाशुदा टैक्स की तफसीलात फौरी हासिल कर सकते हैं। महकमा एक्साइज। खातून बिजली चोरने के लिए रायवन की जिना कॉलोनी में सरेआम कुंडा लगाकर बिजली चोरी की वारदात। लाहौर न्यूज ने बिजली चोरी की फुटेज हासिल कर ली। खातून को कमाल महारत से कुंडे लगाकर बिजली चोरी करते हुए देखा जा सकता है। दूसरी कौमी मैस रेसलिंग चैंपियनशिप का रंगारंग आगाज, मुख्तलिफ कैटेगरी में खिलाड़ियों की जोर आजमाई। कर्गिस्तान के सफीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मैस रेसलिंग मुकाबलों में मुल्क भर से मर्द और खवातीन की शिरकत। मलिका मैडम नूरजहां, मलिका तरन्नुम नूरजहां की आज 18वीं बरसी। उनकी सुरीली आवाज आज भी जिंदा है।